हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, एक बार फिर से हमारी और आपकी मुलाकात अपने बहुत बेहतरीन चैनल आरएसपी स्टडी पॉइंट पे हो गई है, और उसी के साथ साथ आज एक बार फिर से हम लोग शुरू करने चल रहे हैं अपना लेक्चर 15। अब देखिए, लेक्चर 1 से लेक्चर 10 तक पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म, लेक्चर 11 से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू, जिसमें 11 में फीमेल का स्ट्रक्चर खत्म। उसके बाद 12 में क्या है, 12 में उसके बारे में थोड़ा बहुत बता दिए हैं। 13 में आपका ओवरी खत्म हो गया है। उसके बाद 14 में कल आपका शुरू किए थे क्या, कल आपका शुरू किए थे मेमोरी ग्लैंड, और उसी से आज 15 में रिलेटेड है लैक्टेशन वाला चैप्टर। अगर आप लोगों ने अभी तक लेक्चर 14 नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिया है, बिना वो लेक्चर देखे लेक्चर समझ में कम आएगा थोड़ा बहुत। ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा बहुत उसमें डाउट रह जाएगा। तो 8-9-10 मिनट का लेक्चर बन ही रहा है, आपको पता है, इसीलिए लेक्चर का नंबर ज्यादा हो रहा है, लेकिन टॉपिक टू टॉपिक आपका एक एक लेक्चर कंप्लीट हो रहा है। तो किसी भी लेक्चर में कोई भी दिक्कत हो तो लेक्चर का नाम लिखिए। जैसे मान लीजिए कि पिछला लेक्चर क्या है, मेमोरी ग्लैंड, तो लिखिए मेमोरी ग्लैंड #RSP लिख दीजिए, यूट्यूब पे आ जाएगा, पूरा लेक्चर सीन कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसका नाम है लैक्टेशन। अब देखिए लैक्टेशन होता क्या है, तो लैक्टेशन को समझने से पहले थोड़ा बहुत आपको जानकारी होना चाहिए मेमोरी ग्लैंड का। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है, मेमोरी ग्लैंड वो पार्ट है जिसमें फीमेल का मिल्क बनता है। मिल्क क्या करेगा, मिल्क बच्चे का पेट भरेगा, जो उसका बच्चा होगा उसका पेट भरेगा, तो वही कंडीशन पूरा लैक्टेशन में भी रन होगा। तो आइए शुरू करते हैं लैक्टेशन। लैक्टेशन में सबसे पहली चीज देखिए लिखा क्या है, पहले लिखा वाला पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर फिगर को एक मिनट में कंप्लीट करेंगे। देखिए लिखा है कि व्हेन बेबी फर्स्ट फीड मिल्क, जब बच्चा पहली बार क्या करेगा, दूध पिएगा, फिर क्या होगा, देन द पार्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड विच इज हाईली सेंसेशनल इन नेचर। तो मेमोरी ग्लैंड में एक पार्ट होगा जिसमें कई सारी नर्व आके जुड़ी होती है। नर्व मतलब होता है हमारे बॉडी में नस। नस क्या चीज है, नस वो नहीं जो खून वून लेके जाती है, नस मतलब होता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करेगा, जो पूरे बॉडी में मैसेज को इस पार्ट से उस पार्ट तक ट्रांसफर करवाता है। तो देखिए बच्चों, होगा क्या, मेमोरी ग्लैंड का एक पार्ट जिसको हम लोग जानते हैं क्या, निप्पल के नाम से, निप्पल वाला पार्ट क्या होगा, बहुत ज्यादा हाईली सेंसेशनल पार्ट होगा। उसमें होगा क्या भाई, एक ही जगह है जहां से बेबी मदर का मिल्क फीड कर सकता है, वो पार्ट है मेमोरी ग्लैंड का निप्पल। निप्पल जैसे ही बेबी अपने माउथ में लगाएगा, वैसे क्या होगा, जो मदर का निप्पल होता है उसमें कई सारे नर्व उसके ब्रेन से अटैच होते हैं। वो क्या काम करेगा, सबसे पहली बार जैसे छोटा बच्चा अपने मदर का दूध पीने के लिए मदर का निप्पल अपने माउथ में लेगा, वैसे मदर के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट में तुरंत मैसेज पहुंच जाएगा। और मैसेज क्या पहुंचेगा, वो आप लोगों को क्लियर होगा इस पूरे डायग्राम से। तो देखिए, मान लीजिए मदर का हाइपोथैलेमस वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, ये तुरंत रेगुलेट करेगा किसको, तुरंत बताएगा, एक मैसेज पहुंचाएगा पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है, मास्टर ग्लैंड। ये क्या काम करेगा, ये तुरंत, पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट है जिसमें पहला पार्ट है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा पार्ट है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी क्या करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी से तुरंत रिलीज होगा प्रोलैक्टिन हार्मोन। और प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सा, वही हार्मोन जो मदर के बॉडी में मिल्क को बनाता है, तो मिल्क बनाने लगेगा। अच्छा, मिल्क मान लीजिए एक जगह स्टोर है, जैसे अंडरग्राउंड का वाटर, जमीन से पानी निकालेंगे तो मदर किसकी जरूरत लगेगी, मोटर की, जो पानी को निकालने में हमारी मदद करेगा। उसी प्रकार से एक जगह मान लीजिए कि जैसे क्या है, जैसे मदर के बॉडी में क्या होता है, ऐसे कई सारे मेमोरी एल्वियोली रहते हैं, जिसमें यहाँ पे मान लीजिए इसके अंदर क्या है, इसके अंदर आपका पूरा मिल्क बन गया, ठीक, यहाँ पे मिल्क स्टोर हुआ है। अब क्या करेगा, ये बैलून लाइक शेप पे होता है छोटा छोटा, जो पूरा पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर रहा है, ठीक। तो मेमोरी एल्वियोली में क्या होगा, मेमोरी एल्वियोली में रहेगा मिल्क प्रोड्यूसिंग सेल, जिसको रेगुलेट करेगा कौन, यही आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन, मिल्क बनना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसी में आपका मिल्क जो है वो अटका हुआ है, तो इसको धक्का कौन देगा, बाहर कौन निकालेगा, निप्पल वाले पार्ट पे कौन लाएगा। ये पार्ट मान लीजिए आपका क्या है, निप्पल है, ये है मेमोरी एल्वियोली, इसके अंदर बना है क्या, मिल्क। तो क्या होगा, जो मिल्क आपका बना है
उसको बाहर निकालने में मदद करेगा। दूसरा जो पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर हार्मोन से हार्मोन रिलीज होगा जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। ये क्या काम करेगा, ये जो स्मूथ मसल्स हैं मेमोरियल वियोली के बैलून वाले शेप में उसमें कॉन्ट्रैक्शन करेगा, उसे आगे की तरफ ढकेलेगा, धक्का देगा, जिससे क्या होगा डायरेक्ट मेमोरियल वियोली से निप्पल में मिल करेगा, निप्पल से बेबी क्या करेगा शक्कर लेगा, बढ़िया आराम से खा पी के टनाटन हो जाएगा। तो यही पूरा कंडीशन है लैक्टेशन का। एक लाइन में अगर समझे तो क्या लिखा है, लिखा यही है कि जब पहली बार बच्चा अपने मदर का दूध पिएगा तो मदर के मेमोरी ग्लैंड में एक बहुत ज्यादा हाईली सेंसेशनल पार्ट, हाईली सेंसेशनल मतलब कई सारे नर्व उसमें जुड़े हुए हैं, उस पार्ट, वो पार्ट का नाम क्या है, उस पार्ट का नाम है निप्पल। निप्पल जैसे ही बेबी अपने माउथ में लेगा वैसे क्या होगा, मदर के बॉडी में एक हार्मोन रेगुलेट होगा हाइपोथैलेमस से जिसका नाम क्या है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर दो उसके पार्ट है एंटीरियर पोस्टीरियर, एंटीरियर से पीआरएल निकलेगा जो मिल्क बनाएगा, पोस्टीरियर से ऑक्सीटोसिन जो कॉन्ट्रैक्शन करेगा, और फाइनली निप्पल से मिल्क बेबी के माउथ में चला जाएगा। वही चीज यहाँ लिखा है, अगर डिफिनेशन उफिनेशन पेपर में आ जाए तब आप लोग लिख दीजिएगा क्या चीज, व्हाट इज लैक्टेशन। तो लैक्टेशन है क्या, द मेमोरी ग्लैंड ऑफ फीमेल अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। देखिए मेमोरी ग्लैंड फीमेल की जब फीमेल प्रेग्नेंट होगी तो उसमें कुछ चेंज होंगे, और चेंज क्या होंगे, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टूवर्ड इंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन। चेंज यही होगा कि उसमें कुछ हार्मोन का लेवल ऑटोमेटिक बढ़ेगा, हार्मोन कौन सा बढ़ेगा प्रोजेस्टेरोन, और एक दूसरा हार्मोन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं प्रोलैक्टिन या पीआरएल। ये दोनों हार्मोन क्या करेंगे मदर के मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करेंगे ताकि जो बच्चा उसके पेट में पल रहा है वो जब पैदा हो तो उसके मेमोरी ग्लैंड से खाने पीने वाला व्यवस्था उसका फिट रहे, और इसी पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं लैक्टेशन। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं लैक्टेशन। ठीक, अब उसके बाद देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन आपके एमसीक्यू में डायरेक्ट आएगा चाहे जो पेपर हो बोर्ड हो या नीट हो, कि मान लीजिए आज कोई मदर अपने बच्चे को जन्म दिया, ठीक, तो आज से लेके 8-10 दिन तक जो इनिशियल वाला मिल्क निकलेगा उसका नाम होगा कोलेस्ट्रम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कोलेस्ट्रम में क्या होगा, बहुत सारे एंटीबॉडी होंगे, वो क्या काम करेंगे, बच्चा अभी तक मदर के पेट में बंद था अब बाहर के एनवायरनमेंट में आया है तो यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं टहल रहे हैं, तो बच्चे को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो शुरुआती दिनों में, इसीलिए ये जो आपका क्या है एंटीबॉडी आईजीए है ये मदद करेगा। ठीक, क्या करेगा, मदद करेगा, और इसमें क्यों मतलब किस जगह से आपका कोलेस्ट्रम निकलेगा, तो जो आपका कोलेस्ट्रम वाला मिल्क है वहीं से आपका एंटीबॉडी रिलीज होगा, और उसके बाद क्या है कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, तो पैसिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। और लास्ट में क्या है आपका, कि देखिए दो प्रकार से मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होगा, पहला जब कोई छोटी लड़की अपने युवा अवस्था में आएगी एट द एज ऑफ एडोलेसेंस, जिसमें 11-12-13 साल वाला वही जो एज है प्यूबर्टी की, उसमें जब कोई लड़की एंट्री लेगी तब पहली बार उसका जो ब्रेस्ट का साइज है वो इंक्रीज होगा, किस हार्मोन के कारण, एस्ट्रोजन, आपको साफ साफ दिख रहा है। और स्टार्टिंग प्यूबर्टी के एज में मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट होना, इस प्रोसेस को कहते हैं थेलार्की, क्या कहेंगे थेलार्की। और दूसरा चीज क्या है, अच्छा जब वो मेमोरी ग्लैंड पूरी तरह से थोड़ी डेवलप हुआ है, पूरी तरह से तब डेवलप होगा जब वही लड़की शादी करेगी, उसके बच्चा उच्चा होने वाला होगा, तब उस 9 मंथ के पीरियड में क्या होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेमोरी ग्लैंड का एक बार फिर से डेवलपमेंट होगा। क्यों, क्योंकि उसे प्रोड्यूस करवाना है अब की बार मिल्क जिसके लिए वो फीमेल के बॉडी में बना है, तो उसमें क्या होगा, उसमें उसका दो हार्मोन मदद करेंगे, पहला प्रोजेस्टेरोन और दूसरा है लैक्टोजेनिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन मेमोरी ग्लैंड को बढ़िया तरीके से मिल्क को प्रोड्यूस करने लायक बनाएंगे। तो आशा करता हूं आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।